हमारा एक नया प्रोडक्ट जो कि थर्मोकोल कटर है। बाज़ार में थर्मोकोल कटर मिलता है, वो CNC मिलता है, उसकी कीमत है करीब 1 से 1.5 लाख, लेकिन ये सबसे सस्ता पड़ रहा है, करीब 3500 प्लस GST में पड़ता है। इसकी स्पेशलिटी दिखाता हूँ, ये एकदम सिंपल ऑपरेटिंग है। ये यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दिया गया है, यहाँ से ऑन ऑफ होता है, और ये उसका कंट्रोलर है। कंट्रोलर ये 0 से जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। उसका आउटपुट है पीछे है, ये दो वायर यहाँ से आउटपुट लेना है, इसके साथ ये दो वायर लेना है। दो वायर एक लकड़ी के फ्रेम के साथ लगाया गया है, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर ये लकड़ी के फ्रेम में लगाया गया है दो वायर। एकदम सिंपल कंस्ट्रक्शन है, कोई भी बना सकता है। ये डेमो के लिए सिर्फ ऐसा खैर फ्रेम बनाया गया है, सिर्फ डेमो के लिए। आप इससे अच्छा बढ़िया बना सकते हैं। यहाँ पे नट बोल्ट लगाएंगे SS का, स्टेनलेस स्टील का, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी एक SS का नट बोल्ट लगाना पड़ेगा, और बीच में है टंगस्टन की तार है, टंगस्टन की 2 किलोवाट की तार है, जो सबसे बढ़िया कटर है। वो यहाँ पे आप पावर देंगे, फिर ये तार हीटअप होगी। ये तार हीटअप होने से थर्मोकोल काट सकते हैं। अभी हम आपको थर्मोकोल काट के दिखाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से पावर दिया 230 करीब। आप घर के आउटपुट सॉकेट में से लगा के चालू कर सकते हैं। फिर ये यहाँ से ऑन किया। ये कंट्रोलर अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना है, हमने पहले से ही एडजस्ट करके रखा है। थोड़ी देर में ये तार जो है हीटअप होनी चालू हो जाएगी। ये अपना रेगुलर थर्मोकोल है, ये अपना हाई डेंसिटी थर्मोकोल है। अभी थर्मोकोल हम आपको काट के दिखाएंगे। ये अपना रेगुलर थर्मोकोल है, ये ऐसे ऐसे जैसे चाहे एकदम से फटाफट काट सकते हैं। ऐसे ही हो गया, हम जैसे चाहे इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये लो डेंसिटी थर्मोकोल है, इसके बाद हम ये हाई डेंसिटी थर्मोकोल सीट लेते हैं। ये भी इस तरह से काट सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा चाहे तो टेम्परेचर अप कर सकते हैं। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये हाई डेंसिटी थर्मोकोल है। ये भी इस तरह से काट सकते हैं, एकदम आसान है। इसके बाद एक और चीज़ हम काट सकते हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया है इसलिए कम कर दे रहे हैं। ये PVC फॉर्म सीट है, ये भी हम काट सकते हैं। इस तरह से ये थर्मोकोल और PVC फॉर्म सीट भी काट सकता है, एकदम इजी बनावट है। आप घर पे भी ये फ्रेम बना सकते हैं या मिस्त्री से भी बाहर बनवा सकते हैं। ये मैंने सिर्फ डेमो के लिए ऐसा बनाया। सबसे अच्छा तरीका ये, इसको आप टेबल पे ये फिक्स कर दीजिए और फिर ये टंगस्टन की तार लगाइए। ये तार आपको कम से कम 1 फुट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट की लेनी पड़ेगी, कम से कम 1 फुट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट की तार। और उसके साथ ये जो वायर है ये कम से कम 1.5 स्क्वायर mm का लेना पड़ेगा आपको, उससे ज़्यादा लेगा तो भी अच्छा है। और यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के नट बोल्ट लगाएंगे तो सबसे बढ़िया है, यहाँ भी स्टेनलेस स्टील के नट बोल्ट लगाने पड़ेंगे। और ये टेम्परेचर कंट्रोल हर जगह आपको हर बार सेट करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ नया लेंगे उसके लिए ये टेम्परेचर पहले सेट करना पड़ता है। एकदम आसान चीज़ है और आपको एकदम रिजनेबल प्राइस में भी मिलेगा। इसकी प्राइस है सिर्फ 3500 प्लस GST। ओके, थैंक यू।